प्रोड्यूस बाय सताक्षी कलेक्शन सिहोरा। फैशन और स्टाइल की दुनिया का एक अनोखा कलेक्शन लेकर आया है एकमात्र सताक्षी लेडीज कलेक्शन। गौसे खुद परियोजना में दिनों दिन किए जा रहे पानी भंडारण के कारण वैनगंगा नदी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। भंडारा जिले के लोगों के लिए जीवन दायिनी कही जाने वाली वैनगंगा नदी का अपना एक विशेष महत्व है। ब्रिटिश काल में बनाए गए इस पुल को प्रशासन की ओर असुरक्षित करार देकर बंद कर दिया गया है। गोसीकुट बांध के भंडारण क्षमता की जांच के लिए 1 नवंबर से जल स्तर बढ़ाया जा रहा है। इससे कुछ क्षेत्रों में बैकवाटर प्रवेश कर गया है। जिन खेतों का अधिग्रहण नहीं किया गया है लेकिन बैकवाटर की वजह से जमीन एवं फसल का नुकसान हुआ है, तो वही कादा के छोटे पुल का जल स्तर बढ़ गया है। इसके साथ ही स्मशान भूमि जाने वाले रोड पर हरियाली ही हरियाली देखने मिलेगा। पर आपको बता दे कि ये हरियाली नहीं बल्कि बैकवाटर का पानी है जो कि स्मशान भूमि जाने वाले रास्ते को पूरी तरह अपने चपेट में कर दिया है। साथ ही परिसर में गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है जिसके चलते वहां से आवागमन करने वाले नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बैकवाटर के चलते ग्राम सेवक कॉलोनी के नागरिकों को अपना घर छोड़ किराए के घरों में रहने की नौबत आ पड़ी है। धीरे धीरे पानी कॉलोनी में बढ़ रहा है जिसके कारण वहां नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गोसीखुद के बैकवाटर से ढिबरवाड़ा परिसर की लगभग 35 एकड़ खेती पानी में डूब गई है जिससे क्षेत्र के किसानों का भारी नुकसान होकर उन पर भूखमरी की नौबत आन पड़ी है। ऐसी स्थिति में पूरे वर्ष भर अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करे, ऐसा सवाल किसानों द्वारा प्रशासन से पूछा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि गोसीखुद प्रकल्प में जल संग्रहण करने के पूर्व ही नदी का बैकवाटर ने अपने समस्याओं को न्योता दिया है। पानी की समस्या कुछ स्थानों पर होकर खेती की ओर जाने वाला मार्ग पर भी पानी में डूब गया है। पानी पहुंचने की संभावना भी नहीं कर सकते, ऐसे स्थानों पर बैकवाटर ने कहर बरपाया है। इसमें ढिबरवाड़ा में नदी के तट पर कुछ किसानों की 35 एकड़ खेत भूमि पानी में डूब जाने से खेत में खड़ी गेहूं, पोपट, चना, तुअर फसल आदि का भारी नुकसान हुआ है। इसके पूर्व ही उपरोक्त स्थान पर पिछले वर्ष अगस्त माह में बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से खेत परिसर जलमग्न हुआ है, तो अनेक स्थानों पर पानी से बाधित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सैकड़ों हेक्टेयर जमीन निरुपयोगी हो गई है। ऐसे में प्रशासन द्वारा इस ओर गंभीरता से ध्यान दिया जाना आवश्यक है।